गुड मॉर्निंग बच्चों। भी बहुत कम लोग आए। अभी तो होमवर्क कर लिया लास्ट टाइम जो दिया हुआ था। होमवर्क में डाउट है कुछ? तो पहले डाउट बताओ, वो कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा 2 मिनट रुक जाते हैं। सारे इलुस्ट्रेशन जो दिए थे वो भी सॉल्व कर लिए हो ना? चलो अब डाउट बताना है, स्टार्ट करो ना। 8:04 हो गए, अब और ज्यादा वेट नहीं कर सकते। डाउट बताना है, स्टार्ट करो बच्चों।
इंटेक्स थ्री का थ्री इंटेक्स थ्री के थ्री में देखो क्या बोला हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय ई इक्वल टू अल्फा वाई आई कैप, ना कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है ई इक्वल टू अल्फा वाई आई कैप, जहां पे अल्फा कुछ कांस्टेंट है ना, वाई वाई कोऑर्डिनेट होगा और आई यूनिट वेक्टर है। फाइंड द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब बाउंडेड बाय द सरफेस एक्स इक्वल टू एल, एक्स इक्वल टू टू एल, y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू टू एल, कोई आपको क्यूब दिया गया है, ये मान लो आपका इधर को एक्सिस बना देते हैं, तो कोई क्यूब बना हुआ है x इक्वल टू एल, ऐसे ही कोई क्यूब बना हुआ है, जिसका ये वाला फेस कहां पर है x इक्वल टू एल पे, और ये इधर वाला फेस x इक्वल टू टू एल पर है ना, और ये एक्स जेड प्लेन में रखा हुआ है, नीचे ये y इक्वल टू जीरो है, ऊपर वाले सरफेस के लिए y इक्वल टू एल है, ठीक है ये बात समझ आ रही है, ऐसे कुछ क्यूब रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या है ऐसे जा रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग है और वो वाई कोऑर्डिनेट के साथ चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट के साथ वो चेंज हो रहा है, तो यहां पे फ्लक्स किस किस फेस से पास हो रहा होगा, क्या ऊपर वाले सरफेस से फ्लक्स पास हो सकता है अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो सबसे ऊपर वाला जो सरफेस होगा, इनको नाम भी दे देते हैं कुछ, मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी से फ्लक्स पास नहीं होगा ना, फ्लक्स थ्रू ए बी सी डी से नहीं जा पा रहा होगा, फ्लक्स केवल किससे जा पा रहा होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसके जो परपेंडिकुलर सरफेस है ये वाला, केवल इससे ही जा पा रहा होगा ना, और जितना भी फ्लक्स इससे जाएगा एक तरफ से एंटर करेगा तो उतना ही दूसरे तरफ से निकल भी जाएगा, है कि नहीं, कोई भी जगह पर कोई भी हाइट पे चले जाओ एक वाई हाइट पर, तो वाई हाइट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इंटर करेगा वही दूसरी साइड से निकलेगा, तो कोई नेट फ्लक्स आ पाएगा इस पूरे ट्यूब में, बताओ बच्चों, एक साइड से इंटर हो रहा होगा दूसरे साइड से बाहर जा रहा होगा, तो नेट फ्लक्स यहां पर जीरो आएगा, अगला डाउट बताओ, E डॉट डी ए करोगे तो आपको दो बार करना पड़ेगा, एक बार इस सरफेस के लिए E डॉट डी ए करो, एक बार इस सरफेस के लिए ना, ए बी एफ ई के लिए और एक बार सी डी एच जी के लिए, तो दोनों के लिए इंटीग्रल कर निकालोगे तो एक के लिए प्लस में लोगे, एक के लिए माइनस के लिए, इसके लिए माइनस लोगे ना, इंटर कर रहा है इसके लिए प्लस में, इतना ही इंटीग्रेशन करके निकालोगे और फिर दोनों हो जाएगा, हेलो
कार्तिक म्यूट रखो भाई। ठीक है नोट हो गया। अगला करें नाइन्थ। नाइन्थ और टेंथ ये दो होंगे डाउट में। ये नाइन्थ वाला तो एक्चुअल मैं क्लास में कराता हूँ, लास्ट टाइम क्लास खत्म हो गया तो करा नहीं पाया। तो ये अब नाइन्थ और टेंथ दोनों क्लास वाली कॉपी में नोट कर लेना ना। नाइन्थ और टेंथ ये दोनों अपने क्लास वर्क वाली कॉपी में नोट कर लेना क्वेश्चन। नाइन्थ में देखो क्या बोला गया है, आपको डायग्राम दे दिया गया है। ऐसे आपको डायग्राम दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में है, वाई और जेड कंपोनेंट जीरो बोले गए हैं ना। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो केवल एक्स डायरेक्शन में है, एक्स कंपोनेंट की वैल्यू बता दी गई है आपको 600√x(10^6). तो आपको इसके अंदर चार्ज निकालना है। यहाँ पे देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है तो फिर से फ्लक्स केवल किसकी वजह से होगा, जो यहाँ पर सरफेस होगा जिसके परपेंडिकुलर आ रही है उससे वो इंटर करेगा और इधर से वो बाहर जाएगा। तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटर कर रहा है और जो बाहर जा रहा है वो सेम है या अलग है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटर करेगा और जो बाहर जाएगा वो क्या सेम होगा या अलग होगा, बताओ बच्चों? अलग होगा। वेरी गुड। क्यों अलग होगा? क्योंकि जब इंटर कर रहा होगा तो उस जगह पर ये वाले फेस के लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये एक्स इक्वल टू 0.1 दिया हुआ है। जो ये डिस्टेंस है इधर वाले फेस की डिस्टेंस है ओरिजिन से वो हमें 0.1 दिया है और दूसरे वाले के लिए ये भी 0.1 है। मतलब अगर आप सामने से देखो ना, केवल हम सामने से देख रहे हैं तो हमें एक ऐसे क्यूब रखा हुआ दिखेगा जिसका ये वाला फेस 0.1 पर है और दूसरा वाला 0.2 पर है ना। इधर वाले फेस के लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इधर वाले फेस के लिए ये 0.1 और 0.1 तो ऐड होके टोटल 0.2 हो जाएगी ना। क्यूब जो है वो 0.1 डायमेंशन का है। तो अब यहां पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर कर रही होगी तो उसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट कितना डालोगे, यहाँ पे 0.1 है, एक्स कोऑर्डिनेट 0.1 डालोगे। और जब यहां पे देखोगे दूसरे फेस से जब निकल रही होगी तो वहां पे ई निकालने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट 0.2 डालोगे। समझ आ रहा है कुछ मैं क्या बोल रहा हूं? तो इस बार नेट फ्लक्स क्या आएगा, इंटरिंग फ्लक्स कम है आउटगोइंग फ्लक्स ज्यादा है ना। यहाँ पे अगर मैं इंटर करने वाला फ्लक्स सोचूं ना, ये मान लो सरफेस वन है ये सरफेस टू है, सरफेस वन से जो इधर से इंटर करेगा वो कितना हो जाएगा, माइनस में 600√0.1 × 10^6। ये रूट एक्स ही दिया है ना, एक्स की पावर 1/2 और ये माइनस में होगा ना। अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इसका एरिया, क्यूब का अगर डायमेंशन 0.1 एज लेंथ है तो ये फेस का एरिया कितना आएगा, ये वाले फेस का एरिया कितना आ जाएगा, 0.1 का स्क्वायर ना, इतना फ्लक्स इंटर कर रहा है ना और बाहर कितना जा रहा है,
600 बाहर जाने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे रखोगे तो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ना, जो दूसरे सरफेस से इंटर कर बाहर जा रहा है। बाहर जब जा रहा होगा तो वहां पर आप ये वाला एरिया लोगे ना, ठीक है बच्चों? तो ये टोटल जब फ्लक्स निकाल लोगे तो ये टोटल फ्लक्स पर और किसके कर दोगे, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो आपको अंदर पूछा गया है कि चार्ज इनसाइड द क्यू। अब यहां पे देखो ऐसा क्यों हो रहा है कि जितना फ्लक्स आ रहा है उससे ज्यादा जा रहा है, क्योंकि बीच में हो सकता है चार्ज रहा हो, तो चार्ज की वजह से इधर जाने वाला फ्लक्स बढ़ गया है और इधर वाला कम हो गया है। तो अब आपको चार्ज निकालना है, तो आप क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कर दो। आप एप्सिलॉन नॉट इधर ले आओ, ये सब कैलकुलेट करके डाल दो तो चार्ज इनसाइड आ जाएगा। समझ आया सभी को? सेम टाइप का ही प्रॉब्लम अगला वाला है, टेंथ वाला भी है। टेंथ वाला इसी टाइप का है, अब ये खुद से कर लेना और इसको भी क्लास वर्क वाली कॉपी में नोट कर लेना। टेंथ भी ठीक है बच्चों, आगे चलें। अब एक्सरसाइज में डाउट है कुछ? होमवर्क एक्सरसाइज से भी दिया था क्या? तो डाउट बताओ अब आगे एक्सरसाइज से क्या है। नहीं है डाउट आगे? चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1 का 16। में देखो क्या बोला गया है। एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस पी इज कंस्ट्रक्टेड अराउंड एन न्यूट्रल कंडक्टिंग वायर कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड इज स्विच एज शोन फिगर। एक आपको ऐसा कुछ सर्किट दिया है। ये सब यार अभी तो करने में दिक्कत आएगी क्योंकि बैटरी वगैरह है, ये सब करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद करना चाहिए था। चलो दिया है तो कर लेते हैं। As the switch is closed, free electron in the wire starts moving along the wire. ना, जैसे हम स्विच को क्लोज करते हैं तो यहाँ पे करंट फ्लो होने लग जाएगी ना। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है बड़ा वाला, छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे हम बोलेंगे कि करंट फ्लो हो रही है, और जिधर करंट फ्लो होती है उसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन चल रहे होते हैं ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे अपोजिट में चल रहे होंगे, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट में करंट चलती है। तो क्वेश्चन में आपको बोल दिया गया है कि कोई भी टाइम में जितने इधर से इलेक्ट्रॉन इंटर करेंगे उतने ही उधर से बाहर जा रहे हैं, तो फिर इससे फ्लक्स जो इनक्लोज जाएगा वो क्या आएगा? करंट फ्लो होने से क्या वायर चार्ज हो जाती है? जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं उतने ही जा रहे होते हैं ना, तो यहाँ पर कोई करंट आने से चार्ज नहीं आता ना। चार्ज अब भी जीरो है ना, वायर चार्ज नहीं हुई है।
ना, तो यहाँ पर फ्लक्स अब भी जीरो रहेगा, पहले भी फ्लक्स जीरो था, बाद में भी फ्लक्स जीरो रहेगा। ठीक है बच्चों, फिर आगे चले हैं। क्या दिया है पीछे आंसर? अनचेंज भी सही है और रिमेन जीरो भी सही है ना, जीरो भी तो चेंज नहीं हुआ, रिमेन्स अनचेंज मतलब जो है वही रहेगा, तो रिमेन्स अनचेंज भी सही है और रिमेन्स जीरो भी सही है। और एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, रिमेन्स जीरो और रिमेन्स अनचेंज। श्रेयस देखो, आपको ये नहीं पता है कि वहां पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, हो सकता है कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो उसके वजह से वहां पे कुछ फ्लक्स हो, लेकिन स्विच क्लोज करने से कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो मतलब दोनों ही सही है वैसे तो, कुछ वो कौन सा ज्यादा सही है बोल पाना डिफिकल्ट है थोड़ा इस। ठीक है, अब हम लोग आगे स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो देखो, अभी तक हम लोगों ने गॉस थ्योरम पढ़ा हुआ है। गॉस थ्योरम में हमने क्या पढ़ लिया कि अगर हम कोई भी क्लोज सरफेस ले लें और इसके अंदर कुछ भी चार्जेज हों तो जो इससे नेट फ्लक्स जाएगा, फ्लक्स को आप ऐसे लिख सकते हो ई डॉट डी ए, और ये नेट फ्लक्स इनक्लोज बराबर होगा टोटल जो चार्ज इनक्लोज होगा बाय एप्साइलन नॉट। तो अभी तक हम लोग देखो क्या कर रहे थे, हमें मोस्टली क्यू दे दिया जा रहा था तो हम फ्लक्स निकाल रहे थे, या फिर अभी हमने एक क्वेश्चन में देखा कि ई दे दिया था तो चार्ज निकाला है कि नहीं। अभी हमने देखा ना 9th 10th में क्या था, ई दिया हुआ था चार्ज निकाला। तो ऐसे इस फॉर्मूले में कोई भी एक देके दूसरा ऐसे निकालने को रहेगा। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं कि अगर हमें कहीं पे क्यू दिया है तो क्यू के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ना। हम लोग अब गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मेनली कहीं पे भी चार्ज दिया होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वो कैसे करेंगे वो देखना है हमें। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब देखो, जब आप एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम स्टार्ट करोगे, एक सेकेंड, हाँ अभी बस प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है। कैमरा भी ऑन करूं, पूरा माहौल बनाया जाए। हाँ, मैंने कहा यार थोड़ा इम्प्रूवमेंट करते हैं और ऑनलाइन टीचिंग में, थोड़ा स्लाइड स्लाइड यूज किया है यार।
तो अब देखो हम लोग क्या करने जा रहे हैं। अब देखो जैसे हमें गॉस थ्योरम का अब एप्लीकेशन स्टार्ट करना है ना, तो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में देखो क्या क्या होगा। जब हम इसको अप्लाई करने जा रहे होंगे तो वहां पे हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, है ना। अक्सर हमें E डॉट डी ए इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट लगा। तो जब हम चार्ज दिया होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है,